दोस्तों आज हम आप लोगों को बंगाली का बहुत ही एक फेमस रेसिपी आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों ये रेसिपी में मछली जो है दोस्तों तेलपिया मछली हम यूज कर रहे हैं, देख सकते हैं। पहले मसाले में इसको 10 मिनट तक मैरिनेट करके रख दिए थे। मसाले में दोस्तों यूज किए हैं प्याज, लहसुन है, अदरक है, जीरा है और हल्दी, मिर्च। ये सब मसाले को एक साथ मिक्स करके मछली को 10 मिनट के मैरिनेट के लिए रख दिए। और देख सकते हैं जो पत्ता है दोस्तों, ये पत्ता है लौकी का पत्ता। लौकी के पत्ते के अंदर मछली को दे दिए हैं। मछली दोस्तों कच्चा है, बिना फ्राई किया हुआ मछली है। और इसको ऊपर से देख सकते हैं धागा से अच्छे से पैकिंग कर देंगे ताकि मछली अंदर से बाहर ना जाए। आप देख सकते हैं कैसे पैकिंग कर रहे हैं। ये जो दोस्तों रेसिपी बनता है इसका स्वाद आपको ज़बरदस्त मिलता है। और ये जो दोस्तों पत्ता और जो मसाला है इसके अंदर जो मछली है, ये सब का स्वाद क्या बताओ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन होता है इसका स्वाद। तो ये जो रेसिपी है दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इसको घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं क्या करना है। यहाँ देख सकते हैं हम एक कुकर ले लिए हैं। कुकर के नीचे हम दो लौकी का पत्ता दे दिए हैं ताकि नीचे से ना जले, इसलिए हम इसमें हल्का सा पानी भी देने वाले हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो हम मछली है उसको अच्छे से पैकिंग कर लिए हैं पत्ते के अंदर, अभी हम दे देंगे। दोस्तों अभी देख सकते हैं जो बाकी मसाला है उसको हम दे देंगे। दोस्तों एक चीज़ हम बताना भूल गए थे कि हमें मसाले में नमक भी दिए थे, हम इसमें आधा चम्मच नमक यूज किए हैं। देख सकते हैं हल्का सा पानी भी दे देंगे हम इसमें। अभी दोस्तों हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। अच्छे से ढक्कन को बंद कर लेना है ताकि कोई गैस बाहर ना आए। देख सकते हैं अच्छे से हम पैक कर लिए हैं। अभी हम लोगों को दोस्तों दो सीटी मारना है फुल फ्लेम में, उसके बाद एक सीटी हाफ फ्लेम में मारना है, उसके बाद हम कुकर को बंद कर देंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमारा रेसिपी बन चुका है, अभी हम देखेंगे कि कैसा बना है। खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो जो मसाला दिए हैं, जो मसाले का जो फ्लेवर है वो भी एकदम बहुत ही ज़बरदस्त बाहर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं जो हमारा रेसिपी है वो अंदर से कैसा बना है। ये जो धागा है उसको हम धीरे धीरे पूरा खोल लेंगे, आराम से खोलना है दोस्तों, कोई हड़बड़ी करना नहीं है हमें। दोस्तों मैं चावल भी ले आया हूँ, मैं सीधा चावल के साथ टेस्ट करके आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा बना है। देख सकते हैं हम पूरा ओपन कर लिए हैं, आराम से ओपन किए दोस्तों, थोड़ा सा टाइम लगा था। तो अभी हम देखते हैं जो अंदर का मछली है वो कैसा पका है और इसका जो स्वाद है वो कैसा है, हम आपको दिखाने वाले हैं। देख सकते हैं दोस्तों कलर, देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त कलर आया है और खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन है। तो दोस्तों अभी हम आधा जो पत्ता है उसको हम रख देंगे, बाकी आधा को हम टेस्ट करके आप लोग को बताएंगे कैसा बना है। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप ऐसा कुछ रेसिपी बनाएं तो तेलपिया मछली ज़रूर यूज कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो तेलपिया मछली इसका स्वाद आपको बाकी मछली के तुलना में अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं इसका कलर मछली का कितना बेहतरीन है और अंदर तक मस्त पक चुका है। दोस्तों आज का रेसिपी इतना ज़बरदस्त बना है कि इतना सारा मैं खाना खा लिया हूँ आज, क्या बताएं।
दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और दोस्तों, ऐसे वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।